नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले अब थमने लगे हैं। बीते बुधवार को देहरादून जिले में 216 मामले आए हैं, तो वहीं पर लगातार कम होते कोरोना संक्रमण के बाद में अब प्रशासन भी राहत की सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देहरादून में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार और जिला प्रशासन को काफी चिंता में डाल दिया था। एक ऐसा वक्त भी आया जब अकेले देहरादून में 3000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला था, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सक्रियता के साथ और समय रहते कोविड कर्फ्यू यहां पर लगाया था। साथ ही कोविड कर्फ्यू के नियमों को सख्ती से पालन भी यहां पर जिला प्रशासन की ओर से करवाया गया। साथ ही देहरादून में कोविड कर्फ्यू के दौरान बेड और ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वक्त रहते कोविड अस्पतालों में ये सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। स्थिति अब धीरे धीरे काफ़ी सामान्य हो गई है, लेकिन ये स्थिति में अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही करी तो फिर हमारी जितनी भी मेहनत आज तक हुई है वो मेहनत जो है फिर से वापस हो सकती है। इसलिए हम सभी लोगों को अभी भी कोविड के लिए प्रिकॉशन लेने हैं। कोविड अभी भी है और अगर हम उसे मौका देंगे तो वो फिर फैलेगा, इसलिए हमें बहुत प्रिकॉशन रखना है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है और इस चीज़ पर भी ध्यान देते रहना है कि किस तरीके से हम और भी आसपास के लोगों के अंदर जागरूकता फैला पाएं कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करें। दूसरा, जो टीम हमारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, वो पूरी तरीके से अभी भी काम कर रही है और वैसे ही मुस्तैदी से कर रही है, क्योंकि अभी हमें आगे के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, ऑगमेंट करनी है जो अपनी फैसिलिटी है, ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं हमारे जहां पर सिलेंडर से सप्लाई हो रही थी, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाइप सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन से जो है वहां तक पहुंचाएं। तो आपको बता दें, सरकार और प्रशासन लगातार कोरोना पर काबू पाने के लिए दिन रात मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे उत्तराखंड में कई जगह ऐसे हैं जहां पर मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून की अगर हम बात करें तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून के DM आशीष श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। आशीष सर, जिस तरीके से कह सकते हैं शुरुआती दौर में कोविड के मामले काफी तेजी से लगातार बढ़ते हुए नजर आए, उस टाइम अगर प्रशासन की बात करें तो बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए किस तरीके से प्रशासन की ओर से यहां पर सक्रियता दिखाई गई? देखिए, जब कोविड के केसेस हमारे बढ़ने शुरू हुए और लगभग मई का पहला सप्ताह था जिसमें हमारी पीक जो है वो आई थी, उसके लिए हमने काफ़ी 15-20 दिनों पहले से तैयारी शुरू करी और 2-3 फ्रंट पे एक साथ काम शुरू किया था। एक तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटी को मुहैया कराना, चीज़ों को, बेड्स को, ऑक्सीजन को, इन सारी चीज़ों को अवेलेबल कराना। उसके साथ साथ राज्य सरकार ने उसी समय कोविड कर्फ्यू का ऐलान किया, तो उस कोविड कर्फ्यू को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कराना जिससे कि अननेसेसरी लोग बाहर नहीं घूमें और जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये भी करने का प्रयास किया गया कि जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे थे उनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए और जिससे कि उनको मॉनिटरिंग के साथ फैसिलिटी घर में दी जा सके, जिससे कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके प्रेशर को भी कम किया जा सके। तो इन तीन फ्रंट पे काम किया गया और तीन फ्रंट पे अधिकारियों को अलग अलग इसकी जिम्मेदारियाँ दी गई। जी आशीष सर, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई एक सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल जो देखने को मिल रही है लॉकडाउन के दौरान वो ये है कि लोगों को घरों में रखना एक बड़ी चुनौती है। लोग अपने घर नहीं रह पा रहे, बहुत सारे मामले निकलकर सामने आते हैं कि बेवजह लोग जो है वो घरों से बाहर यहां पर दिखाई देते हैं। इस दौरान प्रशासन को समझाना पड़ता है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग यहां पर नहीं समझते। तो इस बारे में जानना चाहेंगे कि लोगों को घर में रहने के लिए ये अपील आप लोगों की ओर से की गई, कितना मुश्किल रहा इस काम को साझा करने के लिए? देखिए, पहले जो शुरुआती कुछ दिन थे तो उसमें ये बार बार ये दिक्कत कई जगहों पर आई, लेकिन जो अपील हमारी तरफ से की गई, हमने जो हमारा युवा वर्ग है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी अपील्स निकाली गई। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका कि समाज में वर्चस्व है और समाज में वो लोग जो है उनकी एक पकड़ होती है, उन लोगों का सहयोग लेकर के
उसके अलावा फिर पुलिस की तरफ से भी काफ़ी इन्फोर्समेंट किया गया और ये देखा गया कि जो जगह जगह पे बैरियर लगा के लोगों को चेक करना, फिर जुर्माने करना, और ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बीच का बीच की व्यवस्था की जागरूकता और जागरूकता के साथ साथ सख्ती, ये दोनों चीज़ों को किया गया जिससे कि लोग इस बात को समझें और समझ करके इसको और ज़्यादा कोशिश आत्मसात करने की करें। इसके अलावा जिन लोगों ने अच्छा घरों में रहे उनको भी और ज़्यादा इनकरेज किया गया कि ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको जिन्होंने निकल करके इस तरीके की चीज़ों जैसे सिविल सोसाइटी का भी हमने सहयोग लिया, समाज के बड़े लोगों का सहयोग लिया, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी करी गई कि कुछ जो हमारे पुलिस बैरियर्स थे उन पुलिस बैरियर्स पर सर्वेलांस के लिए हमने टेस्टिंग भी शुरू कराई। तो वो ऐसे लोग जो कि अननेसेसरी के लिए जो है बाहर घूम रहे थे, तो ऐसे लोगों को सर्वेलांस के अंदर रखते हुए और उनकी भी टेस्टिंग की गई। तो ये भी एक तरीका था जिससे कि लोगों ने फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकलना कम किया। और देहरादून की जनता का मैं आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन लोगों ने पूरा हमारा साथ दिया और उसी का परिणाम है कि आज लगभग हमारी पॉजिटिविटी रेट जो 40% थी वो 40% से घट करके कहीं 3% के आसपास आ गई है। जी आशीष सर, जब अकेले अगर हम देहरादून की बात करें, अब तो मामले कम आते हुए नजर आ रहे हैं, पहले के कंपैरिजन अगर हम करें तो पहले काफी मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। एक दिन में 3000 के पार यहां पर मामले दिखाई दे रहे थे। उस दौरान हमने देखा कि उत्तराखंड में बेड ऑक्सीजन की भी कमी यहां पर देखने को मिली। तो सरकार तो यहां पर लगातार कोशिश कर ही रही थी कि तमाम चीजों की आपूर्ति करवाई जाए। जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो बेड और ऑक्सीजन की जो कमी देखने को मिल रही थी उनकी आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके से सहायता की गई आमजन की? देखिए, जो हमने पहले से ही जब हमारी ये फर्स्ट वेव के बाद से हमने अपनी काफ़ी फैसिलिटीज ऑगुमेंट की हॉस्पिटल के अंदर जी। और जो हमारे यहाँ पर चूंकि देहरादून सबसे बड़ा टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर है तो यहाँ बड़े हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इनके यहाँ पर जो है बेडों को एटलीस्ट 70% बेड्स को रिजर्व किया गया। और 1 अप्रैल को जो हमारे पास बेड थे उन बेड्स के नंबर को आईसीयू या ऑक्सीजन बेड दोनों को कहें लगभग 3 गुना बढ़ाया गया हमारे द्वारा जो पूरी टीम थी उसके सहयोग से और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके माध्यम से उनके सहयोग से। और ये 3 गुना बेड बढ़ाने से इसके साथ साथ एक भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि किस तरीके से पेशेंट को किस पेशेंट को DCCC में रखा जाएगा, मतलब डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा, और किन पेशेंट्स को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटीज में रखा जाएगा जी। और किन पेशेंट्स को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रखा जाएगा, इसकी एक बहुत क्लियर गाइडलाइन है। और सबसे सीवियर पेशेंट्स जो होते हैं वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं जो हमारी सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है जी। तो उसको सारे हॉस्पिटल्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कराया गया कि पहले एक प्री स्क्रीनिंग की जाएगी पेशेंट की और उस प्री स्क्रीनिंग को करने के बाद अगर जो पेशेंट जिस कैटेगरी में जाने के लिए एलिजिबल है वो उसी कैटेगरी में जाएगा जी। तो इस चीज़ को करके और इसके अलावा फिर हमने एक और तरीका ये किया कि अगर हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कम करना है तो लोगों को घर में सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। इस पर ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड टीम लगाई गई जिसमें हमारे 200 टीचर थे। डेली 10,000 फोन कॉल्स जो है होम आइसोलेशन के लोगों को की जाती है और उन होम आइसोलेशन के केसेस में जो जब कॉल करके हम ये देखते थे कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे अगर जा रहा है तो उन सभी लोगों को हम ले आ करके को जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उन पर जो है फिर एडमिट कराते थे। तो इस तरीके से हमने अपने आईसीयू के प्रेशर को भी कम किया और डेथ रेट को भी फिर धीरे धीरे करके नीचे किया। तो एक टीम के कलेक्टिव एफर्ट से और जो हमारे इसके अलावा हमने डेडिकेटेड डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई कि जो डॉक्टर्स घर में कंसल्टेशन दे पाएं पेशेंट्स को, तो इस तरीके से इसके बाद काउंसलर्स की ड्यूटी लगाई गई जो उनके घर में जिनके उनको काउंसलिंग करना, उनके परिवार वालों को काउंसलिंग करना, इसका भी काम किया गया। तो इस तरीके से मल्टी लेवल पे ये सारी चीजों को करके जो है हॉस्पिटल्स के प्रेशर को कम किया गया जी। आशीष सर, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि वाकई ही इस बार जो दूसरी लहर है उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है। ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर सरकार की तमाम गाइडलाइंस जो है या कह सकते हैं कि प्रशासन जो लगातार कोशिश कर रहा है वो उन तक नहीं पहुंच पाई। इसमें सरकार और प्रशासन की गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूर दराज के लोगों तक ये सुविधाएं या ये गाइडलाइंस नहीं पहुंच पाई। आपसे जानना चाहेंगे अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर किस तरीके से प्रशासन की ओर से काम किया गया और अब जब धीरे धीरे मामले नीचे आ रहे हैं तो और ना बढ़े उसके लिए क्या कुछ कामकाज? हाँ, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने
एक्चुअली दो तरीके की स्ट्रेटजी करी देहरादून के साथ। एक और भी है कि जो हमारे शहरी इलाके हैं वो बेसिकली मैदानी क्षेत्रों में हैं, और जो जी हमारे ग्रामीण इलाके हैं वो जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। तो इसमें एक तो शहरी और ग्रामीण की जो है क्या कहते हैं स्ट्रेटजी अलग करना, उसके अलावा मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र की जो है वो दोनों की भी स्ट्रेटजी अलग करना। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काम शुरू किया, और मोबाइल टीम्स हमने गांव के लिए बनाई, क्योंकि गांव दूर दूर हैं पहाड़ों में, और वो एक जगह आना भी सभी का संभव नहीं है टेस्टिंग कराने के लिए। जी तो ब्लॉक वाइज हमने मोबाइल टीम्स बनाई, जो कि गांव में जा करके रोस्टर बना करके संबंधित प्रधान जो हमारे हैं गांव के, उनसे बातचीत करके उस रोस्टर से हमने टेस्टिंग कराई। जी हमने गांवों को कई कैटेगरी में बांटा। उस कैटेगरी में जैसे एक ऐसी कैटेगरी जहां बाहर से लोग आए, या ऐसे लोग जहां पर अभी ऐसे गांव जहां पर शादियां हुई उसमें बाहर से लोग आए, ऐसे गांव कहां पर सर्दी खांसी जुकाम के लोगों को सिम्टम है, इस तरीके के प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद हमने उनकी टेस्टिंग करी। और टेस्टिंग टीम के साथ ही हमने उनको होम आइसोलेशन किट भी साथ ही भेजे, कि जैसे ही टेस्ट अगर होता है, एंटीजन टेस्ट अगर है, तो अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो इमीडिएट उन्हें होम आइसोलेशन किट देना। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी एंटीजन निगेटिव आ रही है लेकिन उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसी जी चीजें जी हो रही हैं, उनको भी दवा देना। तो इस तरीके के काम को शुरू किया गया, ठीक और है। आज की डेट में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे नंबर में हमने गांव के लोगों की टेस्टिंग करी है, और आज जी भी हमारे यहाँ गांव के लोगों की टेस्टिंग ऑलमोस्ट अब शहर के टेस्ट के ठीक बराबर है। बराबर लगभग आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ों को किया गया, और मल्टी लेवल मॉनिटरिंग करना कि प्रधानों के साथ, और उसके साथ साथ वहाँ पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं उनसे बात करके कि गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जगह जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर एम्बुलेंस को खड़ा किया गया जिससे कि वो उनको ले करके हॉस्पिटल्स में तुरंत आ पाए। तो इस तरीके की व्यवस्था गाँव में की गई, और आज भी गांव में इसी तरीके से प्रत्येक गांव में अब हमने किया है कि 50-50 होम आइसोलेशन किट पहले ही रखवा दी है एडवांस में, कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो वहीं गांव में ही उन्हें वो सारी चीज़ें मुहैया हो जाएं। और इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम लगा रखी है जो इनको कंटिन्यूस कुछ कुछ दिनों में जा करके मॉनिटर भी करती है गाँव के अंदर। बिल्कुल आशीष सर, आपने सही बताया कि जब तक सरकार की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं मॉनिटरिंग और प्रशासन की सख्ती जरूरी है, तभी कहीं कर जाकर कह सकते हैं कि कोरोना पर हम लड़ाई यहाँ पर जीत पाए। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया है उससे समूचा प्रदेश आहत हुआ है, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा खतरा लोगों की रोजी रोटी पर मंडराता हुआ नजर आया। कोविड कर्फ्यू से शहर के स्थानीय व्यापारियों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। तमाम व्यापारी सरकार के इस फैसले से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है साफ तौर पर कि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है, ऐसे में सरकार को बाजारों को पूरी तरीके से सीमित वक्त के लिए खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। उधर ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि राज्य सरकार भी व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए जल्द ही उनके हक में फैसला ले सकती है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि उत्तराखंड में कम संक्रमित वाले इलाकों में बाजार खोलने की तैयारी जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह फैसला प्रदेश सरकार जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले दिनों में लिया जाएगा। सरकार को कर्फ्यू लगाने का शौक नहीं है, निसंदेह हर सेक्टर में कोविड की समस्या से आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को हुआ। सरकार के राजस्व प्राप्तियां लगातार घटती जा रही हैं, इसके बावजूद केवल आम आदमी के जीवन को की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। और मैंने व्यापारी भाइयों से कहा भी था कि ये मत भूलिए कि जब पहला लॉकडाउन देश में लगा था तो पूरे देश में कुल 543 संक्रमित लोग थे, और पहले फेज में उत्तराखंड में सर्वोच्च नंबर जो थे वो 1500 थे, और हमारे यहाँ कल भी 1000 है अभी। तो ये अभी ग्राफ निश्चित रूप से नीचे आ रहा है, लेकिन ये एकदम आप ये सोच के चल दीजिए कि कोविड पे आप जीत गए, ये जंग को जीत गए, ये नहीं है। क्योंकि ये एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सके, अब हम लोग इस पर आज निश्चित रूप से 8 तारीख के बाद जिन जिन इलाकों में जो परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। हम लोग ब्लॉक की यूनिट तक जा रहे हैं, अगर किसी ब्लॉक में केसेज हैं और बाकी ब्लॉक्स में केसेज नहीं है तो
बाकी ब्लॉक्स में रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, तमाम तरह के मार्केट खोलने से लेकर तमाम विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यही है कि किस तरह से आने वाले 2-3 दिनों में ग्राफ किस तेजी से नीचे आता है, ये इस पर डिपेंड करता है सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से व्यापारी जो हैं वो सरकार की नीतियों से काफी नाराज चल रहे हैं। उनका ये मानना है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मामले कम निकलकर सामने आ रहे हैं, एटलीस्ट वहां पर सरकार को व्यापारियों को दुकान खोलने की परमिशन दे देनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैंथोला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी। कैंथोला जी, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना होगा तमाम व्यापारी जो हैं वो आक्रोशित हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार उनकी एक ही रट है कि सरकार जब मामले घट रहे हैं तो व्यापारियों को एक तय टाइम के अनुसार दुकान खोलने की परमिशन क्यों नहीं दे रही। देखो प्रीति जी, जिस प्रकार से अभी मैं भी सुन रहा था हमारे शासकीय प्रवक्ता जो है सुबोध उनियाल जी, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को कोई लॉकडाउन लगाने का शौक नहीं है। हमको पहले अपने उत्तराखंड के नागरिकों को बचाना है किसी भी ढंग से संक्रमण से। बिल्कुल। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बीच में हमने देखा कि कोरोना के जो मामले थे वो शहरी जनपदों की अपेक्षा पहाड़ों में ज्यादा दिखाई दे रहे थे, और धीरे धीरे जिस प्रकार से कल जो है 1000 मामले लगभग आए और उससे पहले 900 मामले आए, तो जैसे जैसे हमने कहा है कि जैसे जैसे जो मामले हैं संक्रमण के वो अगर जो कम आएंगे तो सरकार जो है प्रशासन और उस जिले के जिलाधिकारी के साथ बैठ करके धीरे धीरे जो है वो छूट देने का काम करेगी, लेकिन शर्तों पर छूट दी जाएगी क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और हम नहीं चाहते कि फिर से एक बार हम उसी लहर की ओर जाएं जिस लहर से हम वापस जो है सामान्य स्थिति की ओर जा रहे हैं। तो इस समय पहला लक्ष्य सरकार का ये है कि किसी भी तरीके से 2-3 दिन अभी 8 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू है तो 8 तारीख तक वॉच करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से जनपद में संक्रमण के जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं घट रहे हैं, तो उस क्षेत्र में उसी प्रकार के हिसाब से जो आईसीएमआर जो हमारी गाइडलाइन है सेंटर की उसके अनुसार जो है हम छूट देने का काम करेंगे। जी कैंथोला जी, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। पहले इंसान की जान है, उसके बाद में कह सकते हैं कि और कामकाज यहाँ पर किए जाएंगे, लेकिन इस बात से भी कैंथोला जी इनकार नहीं कर सकते कि जान के साथ साथ इस बार जो कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है उसमें रोजी रोटी का संकट तमाम लोगों को देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। तो कहीं ना कहीं दोनों को मिला के एक बीच का ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन के तहत यहाँ पर सरकार परमिशन दे दे और उस दौरान परमिशन देने के टाइम में भी तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफी व्यापारी के साथ साथ जो और मजदूर वर्ग है वो भी काफी परेशान इस बार दिखाई दे रहा है। कैंथोला जी देखिए प्रीति जी, अभी आप के उससे पहले अभी हरिद्वार के जनपद में कुछ छूटें आज दी गई हैं, जैसे जो निर्माण सामग्री है, जो निर्माण चल रहे हैं, निजी निर्माण भी चल रहे हैं, लोग मकान भी बना रहे हैं, तो उनके लिए जो रेत जो हमारे जो हार्डवेयर की दुकानें हैं, सीमेंट्स की दुकानें हैं, उनको जो है उनमें छूट दी गई है। मजदूरों को काम करने के लिए कहीं भी मनाही नहीं थी, मजदूर सरकारी काम हुआ निजी काम हुआ मजदूर मजदूरी कर रहे थे। और देखिए हम एक साल से सब लोग इस से जूझ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी एक व्यावसायिक आदमी हूं, वकालत करता हूं, वकालत भी एक व्यवसाय का पेशा है, हम भी एक साल से लगभग कोर्ट की ओर हम गए नहीं है, तो हम सब लोग भी जो है परेशान है, लेकिन जान है तो जहान है प्रीति जी। और निश्चित रूप से जब स्थितियां सामान्य होंगी, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और जनता के संज्ञान में भी डाल दूं और आप लोगों के भी, देखिए हम सब लोगों को अगर जो एक साल हम सब लोगों को हो गया है इस बीमारी से जूझते हुए, इस महामारी से जूझते हुए, और प्रशासन और पुलिस को हमारे को बार बार कहना पड़े, हमको बार बार हमारे चालान करने पड़े केवल इसलिए कि हमको मास्क पहनना है जरूर, इसलिए चालान करने पड़े, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना जो है हमने केयरलेस की होगी इन सब चीजों को लेकर के। तो निश्चित रूप से ये जनता से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आप जैसे संक्रमण घटेगा, सरकार व्यवसायियों के साथ खड़ी है, व्यवसायी अभी मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब लोग जो है मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हम सब लोगों को जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए और उसको पालन कराते हुए
सरकार जैसे जैसे अभी ये संक्रमण घटेगा जी, कैंथोला जी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि अभी सीएम जो है उन्होंने भी व्यापारियों से बातचीत करी है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 8 तारीख तक फिलहाल जो वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उस दौरान, उसके बाद में चेक किया जाएगा कि वाकई कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और अगर कोरोना संक्रमण धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि 8 तारीख के बाद में व्यापारी वर्ग जो है वो काफी खुश होता हुआ नजर आएगा। कैंथोला जी देखिए, मैंने कहा ना कि व्यापारी, देखिए व्यापारी हमारे आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, और निश्चित रूप से व्यापारी, आपने देखा होगा जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो तब भी व्यापारी बंधुओं ने, हमारे साथियों ने, हमारे विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के चैरिटी भी वो करते रहते हैं, और जिन जिन लोगों को आवश्यकताएं होती हैं, जब राशन की दुकानें हैं तो राशन के व्यापारियों ने राशन उपलब्ध करवाया, जिन जिनकी जिस जिस प्रकार का व्यापार है उन्होंने अपने अथक और भरसक प्रयास से किया। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ये महामारी है, और इसमें हम सब लोगों को साथ मिलकर के, व्यापारियों को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी साथ मिलकर के समय समय पर अगर जो बदलाव बिल्कुल कैंथोला जी, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार तो खुद ये चाहती है, सरकार का तो खुद का राजस्व यहाँ पर रुका हुआ है, सरकार तो खुद चाहती है कि जल्द से जल्द कोरोना के मामले कम आए या कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसके बाद में व्यापारियों को यहाँ पर छूट दी जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, अपना कीमती टाइम आपने निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।